वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ मेहंदी का सेकंड पार्ट शेयर करूंगी। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताया था, आप कैसे अपनी मेहंदी की कोन को होल्ड करें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया था किस तरह से आप अपनी मेहंदी की कोन को होल्ड करें जिससे आपको मेहंदी लगाने में काफी आसानी हो, ठीक है। और आज मैं सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं मेहंदी में जो आपको सीखनी है, ठीक है। तो वो बेसिक चीजें वो क्या क्या हो गई, तो आज मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है, कि वो कौन कौन से बेसिक चीजें हैं, बेसिक फ्लावर है या कैरी है, कौन कौन सी है, तो वो चीज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आइए वीडियो को आगे बढ़ाते। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और आपको पसंद आ रही है वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा, ओके। मैं बात कर रही थी बेसिक चीजों में, तो बेसिक चीजों में जैसे क्या आता है, सबसे पहले तो आपको क्या सीखना है, नंबर वन बेसिक में सबसे पहले आपको क्या सीखना है, सबसे पहले आपको आना चाहिए सर्कल बनाना। आप एक सही तरीके से सर्कल बनाना आपको आना चाहिए, तो सबसे पहले आप सर्कल बनाना सीखें गाइस। जिनको बिल्कुल भी मेहंदी लगाना नहीं आता है तो वो इस चीज को फॉलो करें, आपकी जो ड्राइंग अच्छी होगी तो आप मेहंदी भी अच्छी लगा लेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी ड्राइंग को अच्छा करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक नीट एंड क्लीन सर्कल बनाना सीखना होगा कि आपका सर्कल बिल्कुल इक्वल हो, अच्छा हो। नंबर टू, आपको हाफ सर्कल बनाना आना चाहिए, ठीक है, हाफ सर्कल, और कुछ इस टाइप से आपको, इस टाइप से, ठीक है। तो आप जैसे तीन लाइनें आपको करनी है, ठीक है, एक ये ऊपर की हो गई, ठीक है, एक ये दूसरी हो गई और ये तीसरी लाइन, ठीक है। ये सब चीजें जो है बेसिक में आती हैं जो आपको सीखनी चाहिए। नंबर थ्री में आप ये सर्कल बनाना सीखें ऐसे, ठीक है। ये भी जो है मेहंदी के डिजाइन में ही आता है, तो मेहंदी के डिजाइन में आता है, आप इसको भी बनाना सीखें अच्छे से। आप हमारे साथ साथ कोशिश करें तो आप इस तरह से भी मेहंदी की जो है मेहंदी की डिजाइन बनाई जाती है, और उसमें आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, जैसे ये इस टाइप से, तो आप कुछ इस तरह से आप बनाना सीखें। नंबर फोर है, आप इक्वल लाइन खींचना सीखें, आपकी जो लाइन है इक्वल आती है कि नहीं, ये इसका जो ये एरिया है इक्वल आना चाहिए, आपकी लाइनें इक्वल होनी चाहिए। जब भी आप लाइन खींचे आपकी लाइनें इक्वल आनी चाहिए, तो सबसे पहले आप लाइन खींचना सीखें कि आपकी इक्वल लाइन होती है कि नहीं है। तो आप पहले लाइन बनाना सीखें। नंबर फाइव, आप इस टाइप से पहले हार्ट शेप बनाना सीखें। हार्ट शेप के फ्लावर आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, हार्ट शेप के अगर आप फ्लावर से बनाएंगे मेहंदी में तो वो काफी सुंदर लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और इनकी ये बनते भी बहुत ही अच्छे से हैं और आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। नंबर सिक्स, आपको जैसे मैंने इसमें बीच में थोड़ा सा मोटा किया था ना, तो आपको ऐसे, ठीक है, ये हो गया, और आपने हार्ट शेप बनाना सीखा। इसके बाद जो है आपको ये हार्ट की तरह ही बनेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये ऐसी लीफ बनानी आपको सीखनी है। प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से आपको आ जाएगा। आप कोशिश करेंगे, अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको आ जाएगा।
ठीक है। तो ये इस तरह के फ्लावर्स आपकी मेहंदी में बहुत ही ज़्यादा जैसे काम आते हैं, आपको बनाने में काम आएंगे, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ओके गाइस, नंबर 7। अब आपको क्या सीखना है, नंबर 7 में आप जैसे आपने 1 सर्कल बनाया, उसके अंदर एक और सर्कल दिया, ठीक है, फिर सर्कल दिया एंड अ फिर, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सर्कल काफी अच्छे होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। आपका सर्कल काफी अच्छा बनेगा, जितना ही अच्छा नीट एंड क्लीन आपका डिजाइन होगा आपकी मेहंदी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। तो आप सर्कल बनाना बहुत ही अच्छे से सीखे। यहाँ पे मैंने इक्वल सर्कल बनाना बताया था, यहाँ पे 4 लाइनें आपको 4 लाइन बनानी है, 1 2 3 4। तो इसी तरह से आप अगर और भी बनाना चाहती हैं तो और बना सकती हैं, जिस तरह से आप डिजाइन बनाना चाहती हैं, ठीक है। तो आप सर्कल बनाना सीखिए, सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक है। और नंबर 8 में आप कुछ इस तरह के डिजाइन आप बना सकते हैं, इस तरह की लीफ, ये फ्लावर इजी भी रहते हैं और देखने में भी काफी सुंदर लगते हैं गाइस। तो आप इनको बनाने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इस तरह के फ्लावर्स जो है मेहंदी में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, तो इस तरह से आप बनाने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप बना लेंगे, ठीक है। अब बात आती है 9। तो 9 में जैसे आप, मैं बताऊंगी कि कैरी आप कैसे बनाएं, ठीक है। बहुत से लोगों को कैरी बनाना नहीं आता है, तो उनकी इजी ट्रिक मैं बता रही हूँ कि इजी ट्रिक क्या है। पहले, सबसे पहले आप एक सी सी सर्कल सी बनाए, ठीक है, हाफ सर्कल सी। इसके बाद इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर ये, तो ये आपकी कैरी इस तरह से आप बना लेंगे। पहले आप सी बनाएंगे, फिर आप ये कैरी बनाएंगे, ठीक है। नंबर टेन में आप दूसरे तरीके से भी कैरी बना सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले एस बनाइए, ठीक है, एस बनाया, फिर आप ये, और फिर इसको इसमें मिला देंगे। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, एस बना के और सी बना के। तो ये हो गई 2 ट्रिक, ठीक है, 2 ट्रिक से आप कैरी को बना सकते हैं। नंबर 11, एक और कैरी जैसे पिकॉक कैरी बनती है। पिकॉक कैरी में जैसे सबसे पहले आपने क्या बनाया, एस बनाया, ठीक है, और फिर इस एस को जो है हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे इसमें, ठीक है, और इसको ऐसे यहाँ पे इसकी चोंच बना सकते हैं, ये आईज हो गई। तो ये आपकी पिकॉक कैरी हो गई है, ठीक है। तो आप इनको बनाना सीखिए, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही, पहले तो आपको डिफिकल्ट लगता है कि आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बेसिक चीजें। और इस तरह से आप अगर हमारे साथ साथ जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप कोशिश करेंगे आप ड्रॉ करने की, तो आपकी ड्रॉइंग तो अच्छी होगी ही, साथ में आप मेहंदी लगाना भी अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से आपको आनी चाहिए, तभी आप मेहंदी आगे लगा सकते हैं। और जैसे ये कैरी होती है, कैरी को फिल करना, कैरी को भरने के लिए, तो ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनको फिल करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट हो या कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ही आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।